इटावा के जसवंत नगर इलाके में हुई हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। शख्स की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे ने ही की थी। पुलिस ने आरोपी बेटे को कुल्हाड़ी समेत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इटावा जनपद के थाना जसवंत नगर इलाके के रेल मंडी के रहने वाले दर्शन सिंह की उनके ही घर में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी थी। मृतक के साले ने पुलिस को साले के बेटे के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के बेटे अमित राठौर को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इस मामले का एसएसपी संजय कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्या के मामले में मृतक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही बेटे ने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसके पिता उसकी पत्नी पर गंदी नजर रखते थे और नवजात बेटी पर भी भद्दे भद्दे कमेंट किया करते थे। इसके अलावा आगरा में स्थित एक प्लॉट था जिसको बेचकर आरोपी बेटा अलग रहना चाहता था। आरोपी बेटे ने पिता की हत्या कर शव को घर के अंदर ही छोड़कर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया था और घर के सामान को बिखेर दिया था, जिससे कि लूट की घटना लगे। लेकिन आरोपी बेटे को छत से कूदकर भागते समय एक बुजुर्ग महिला ने देख लिया था, जिसकी मदद से घटनाक्रम का खुलासा हो गया। इटावा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। देखिए 29 और 30 की रात में जो है एक दर्शन सिंह नाम के आदमी की जसवंत नगर थाना अंतर्गत इटावा में कुल्हाड़ी से मारकर गर्दन पे 3-4 बार पहुंच के हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में तत्काल जो है मेरे द्वारा भी विजिट किया गया था और एसपी सिटी और सीओ जसवंत नगर इंस्पेक्टर जसवंत नगर द्वारा विजिट किया गया तथा फॉरेंसिक लैब की टीम वगैरह भी वहां पहुंच के तत्काल निरीक्षण परीक्षण किया था, जिसके प्रदेश में यह पाया गया कि उसका बेटा, मृतक के बेटे ने उनकी हत्या की थी और हत्या के पीछे जो कारण था वो पूछताछ से ये बताया गया है कि ये जब छत से कूद के अपने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया अपने बचने के लिए और सारा सामान बिखेर दिया था ताकि लूट दिखा सके, जैसा कि इसने पूछताछ से स्वीकार भी किया है। और उस संबंध में उसने एक बुढ़िया माता ने इनको देख लिया था भागते हुए, जिसके आधार पर ये काफ़ी कुछ चीज़ें खुल गई और संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो उनका बेटा है, अपना सगा बेटा है। और उसने मूल वजह ये थी कि उनकी पत्नी पर वो बदनीयत रखते थे, कमरे वगैरह में झांकने वाली बात भी उसने स्वीकार की है, तथा जो अभी एक नवजात शिशु बेटी पैदा हुई है, उनकी 1.5-2 साल पहले शादी हुई छिबरा मऊ में, इसका ससुराल है, उसके बारे में भी खराब कमेंट किया था। और इनका ये कहना था पिता का कि ये तुम कोई काम नहीं करते हो, और आगरा में एक प्लाट था उसको बेचने के लिए भी ये जिद कर रहा था ताकि अपनी पत्नी को लेकर ये अलग हो जाए। इस संबंध में ही इनका झगड़ा काफ़ी गंभीर रूप से आगे बढ़ गया, जिसके वजह से इसने घटना करना स्वीकार किया है। उसके आधार पर कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है तथा इसका कन्फेशन भी हो गया है। तदनुसार 302 IPC में इस व्यक्ति को जो है जेल भेजने की कार्रवाई विधिक रूप से की जा रही है। सर, किस पहले इसने हत्या की, उसके बाद घटना को गुमराह करने का प्रयास किया गया, क्या किस तरीके से किया? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये व्यक्ति पहले तो इसने हत्या जब कर दी 29-30 की रात में तो वहीं पर छत पर सोया। छत पर सोने के बाद जब इससे शराब का नशा इसका उतरा तो ये इसको एहसास हुआ और अपना नीचे उतर करके फिर ये अपना दरवाज़ा खोल के चला गया सुबह 6 बजे के आसपास। उसके बाद दोबारा इसने दिमाग लगा करके सुबह फिर लौटा, चूँकि इसकी माँ और उसकी बहन जो घर पर रह रही थी, इसके नाना का ऑपरेशन हुआ था, वो लोग अपने मायके गई हुई थी अपने नाना को ऑपरेशन में देखने के लिए, तो घर में सिर्फ बेटा और बाप ही थे। तो इसने दोबारा जो है उस दरवाज़ा को बंद किया, सारा सामान बिखेरा घर का ताकि लूट साबित हो सके, और छत के रास्ते से कूद के 11 बजे के आसपास 30 तारीख को भाग गया था। लगभग बॉडी कितने घंटों तक रही है? ये लगभग 24 घंटे मैं कह सकता हूँ कि 24 घंटे के बाद बॉडी में, चूँकि गर्मी का दिन है, बॉडी डिकम्पोज हो गई और उसमें से काफ़ी बदबू आ रही थी, पड़ोसी ने सूचना भी दिया था। इस समय तब क्या कि पुलिस सक्रिय होती है और सारी घटना का पर्दाफाश होता है।